शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की जाती है, एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों का अनुकरण कर सके, तथा दूसरा ये कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर ले। रामचरितमानस, बाइबल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वो सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है, इसीलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का दिव्य संदेश। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ तृतीयो अध्याय। अध्याय दो में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़े। अतः अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान ले एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है,
तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे, जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग सरल प्रतीत हुआ, इसलिए उसने निवेदन किया, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं, अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सत्य युग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करे हो गए निष्कर्म, कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है।
क्योंकि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति चैर्गुणैः। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या है? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थीं। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हट से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि